नमस्कार मित्रों, इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सीरीज में हमने अब तक जो चर्चा किया है, इसके परिभाषा वाले सेक्शन को देखा, डेफिनेशन वाले सेक्शन को देखा, बायपार्टाइट फॉर्म को देखा है, और अभी हम लोग ट्रेड यूनियन का एक पार्ट देखे हैं। ट्रेड यूनियन के बारे में हमने जाना है, रजिस्ट्रार कौन होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, निगोशिएटिंग यूनियन या निगोशिएटिंग काउंसिल कैसे बनेगा, इन सब के बारे में हमने जाना है। रेस्ट का जो सेक्शन है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह ट्रेड यूनियन जो है इस कोड के चार्टर 3 में कवर किया गया है, और यह जो पुराना ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का था, उसी का यह जो है सो पार्ट है जिसको कि इसमें समाहित किया गया है। यदि आपने पूर्व का वीडियो पहले से नहीं देखा है तो पहले कृपया उसको देख ले, ताकि आपको सिक्वेंस में चीजें समझ में आएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 15 जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द जनरल फंड, जो सामान्य निधि है, साधारण निधि है, उस साधारण निधि के क्या उद्देश्य होंगे। उसके अलावा इसमें पॉइंट्स हैं, कंपोजिशन ऑफ सेपरेट फंड, यदि इस साधारण निधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के कोष बनाने की आवश्यकता है, निधि बनाने की आवश्यकता है, मेंबरशिप फी और सदस्यता शुल्क वगैरह के बारे में बतलाता है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि जनरल फंड ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी स्पेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट अदर देन सच ऑब्जेक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड जो है, यहाँ रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट होगी अपने अपने मामले में नियम बनाएंगे कि कहाँ कहाँ जनरल फंड को वो एक्सपेंड कर सकते हैं। पिछले बार जो ट्रेड यूनियन एक्ट था 1926 का, उसमें इन्होंने क्लियर किया था कि किन किन पॉइंट्स को आप जनरल फंड में कवर कर सकते हैं। बेसिकली उसमें जो है सो सदस्यों के हितों से संबंधित बातें होती है, सदस्यों के लिए आप वेलफेयर का काम कर सकते हैं, सदस्यों में अगर किसी प्रकार का वाद होता है, मान लीजिए किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है या मालिक किसी के ऊपर केस कर दे, तो उस केस को लड़ने के लिए खर्चा हो सकता है। इस तरह कई सारी बातें जो है उस जनरल फंड में स्पेंड किया जा सकता है। बेसिकली इस जनरल फंड को पॉलिटिकल फंड या किसी इस तरह के फंड से जिसका कि राजनीतिक उद्देश्यों से खर्च किया जा सकता है, उससे उसको अलग किया जाता है, उसके लिए फिर सेपरेट फंड बनाने की बात की जाती है। तो इसका सबसेक्शन 2 फिर इसी बात को कहता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन यदि चाहे तो सेपरेट फंड बना सकता है सदस्यों के कंट्रीब्यूशन से, जिसके लिए कि अलग से उसको चंदा लेना है, अलग से उसके लिए वो पैसे इकट्ठा करेगा, और वो बना सकता है किसके लिए, फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उसके नागरिक और राजनीतिक जो इंटरेस्ट है उसके संरक्षण के लिए या उसके बढ़ावा के लिए या उसको पूरा करने के दृष्टिकोण से वो जो है अलग से सेपरेट फंड बना सकता है। और यहाँ पर फिर एक बात को अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि मान लीजिए जैसे कि जनरल फंड है और पॉलिटिकल फंड है, अगर कोई आदमी को पॉलिटिकल फंड में पैसा देना है तो इसके लिए अलग से शुल्क उसको देना होगा। जनरल फंड का जो सदस्यता शुल्क है वो सभी को देना है, पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि हर कोई करे, और इसके लिए आप उसको कंपेल्ड, बाध्य नहीं कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। जो आपने सबसेक्शन 2 के तहत फंड बनाया है पॉलिटिकल फंड, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट या सिविक इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, उसके लिए किसी भी मेंबर को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको इसमें पैसा देना है, और अगर वो इसमें पैसा नहीं देता है तो उसको उसकी जो सदस्यता है उससे आप, या उसकी सदस्यता से जो उसको लाभ मिल रहा है उससे आप उसको डिवार नहीं कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको वही एडवांटेज मिलेगा जो एडवांटेज पॉलिटिकल फंड में यदि कोई मेंबर है उसको भी मिले, या केवल जनरल फंड में यदि वो मेंबर है तो उसको भी मिले, इन दोनों में कोई अंतर नहीं हो सकता है। यहाँ हालांकि एक एक्सेप्शन दिया है कि यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द सेड फंड, यानी कि ये जो पॉलिटिकल फंड बनेगा इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है, ये बात जो इसमें चंदा नहीं दे रहा होगा वो इसमें शामिल उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट में नहीं हो सकता है, ये बात केवल जो है सो लागू होगी। बाकी संघ का जो भी वेलफेयर का प्रोविजन होगा, जो भी जनरल फंड को स्पेंड करने का जो तरीका बनाया होगा कि कहाँ कहाँ हम उसको खर्च करेंगे, वो बातें उन सब पर लागू होगी जो केवल और केवल जनरल फंड देते होंगे, या फिर जनरल फंड भी देते होंगे और पॉलिटिकल फंड भी देते होंगे। यानी पूरा बात का समरी यही है कि पॉलिटिकल फंड यदि कोई नहीं भी देता है तो वो संघ का सदस्य पूर्ण रूप से है, और संघ उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। साथ ही ये बात भी यहाँ जोड़ा गया है कि ये जो पॉलिटिकल फंड या कोई अलग तरह का फंड होगा, ये जो है सो मैंडेटरी कंडीशन नहीं होगा किसी भी ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड होने के लिए या उसमें एडमिशन लेने के लिए, यानी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए। लास्ट पॉइंट इस सबसेक्शन 4 कहता है कि सब्सक्रिप्शन पेबल बाय मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रूल में जो है सरकार, राज्य सरकार जैसा निर्धारित करेगी कि भाई ट्रेड यूनियन को कितना
फी देना है सालाना या मंथली जो भी निर्धारित करेगी, हो सकता है 100 रुपया मंथली कर दे या 100 रुपया ईयरली कर दे, तो वो आपको जो है उतना फी देना पड़ेगा। अभी ये जब रूल आएगा तो आपको क्लियर होगा कि हर स्टेट ने अपना क्या क्या इसमें फी रखा। अब नेक्स्ट सेक्शन 16 क्या कहता है, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस कतिपय वादों में, कतिपय मामलों में सिविल वाद से उन्मुक्ति। और यह सेक्शन क्या कहता है कि नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी प्रकार का जो है वाद या कोई भी विधिक कार्रवाई जो लीगल या कानूनी कार्रवाई होती है, शैल बी मेंटेन इन एनी सिविल कोर्ट, किसी भी सिविल न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, किसके विरुद्ध, किसी भी प्रकार का वाद हम नहीं ला सकते हैं। तो एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और एनी ऑफिस बियरर और मेंबर देयर ऑफ, किसी भी श्रम संघ या उसका जो ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, या उसका जो सदस्य है, उसके विरुद्ध हम किसी भी प्रकार का वाद या वैधानिक कार्रवाई हम किसी सिविल कोर्ट में नहीं ला सकते हैं। किस आधार पर, इस आधार पर ये ग्राउंड की उसने जो है इंड्यूस्ड किया है किसी भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, किसके दौरान, औद्योगिक कार्रवाई के दौरान। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसके बाद फिर जो है सो लोग या तो हड़ताल में हो सकता है जाएं, घेराव, धरना, प्रदर्शन ये सब करें, या फिर काम छोड़ दें, काम बंदी कर दें, घोसलो, कुछ भी कई तरह की बातें हो सकती है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चिंतन मनन में या उसके आगे की कोई कार्रवाई के दौरान यदि कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को समझाता है कि नहीं तुमको हमारे साथ आना चाहिए, तुमको भी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और ऐसे में वो व्यक्ति यदि हड़ताल में शामिल होता है दूसरा कर्मकार, तो इस आधार पर कि उसने किसी कर्मकार को भड़काया है या उसने किसी कर्मकार को इंड्यूस्ड किया है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, चूंकि कर्मकार का और नियोजक का एक आपसी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि वो क्या कितने देर काम करेगा और उसके लिए कितने वेतन लेगा, इन सारे बातों का जिसमें जिक्र होता है, तो इस आधार पर कि उसने किसी कर्मकार का कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कराया है, एम्प्लॉयमेंट नियोजन की जो शर्तें हैं, या उसने इंटरफेयर किया है उसके बिजनेस में, ट्रेड में, या जो भी उसने किसी को एम्प्लॉय किया है, तो उसके डिस्पोज ऑफ हिज कैपिटल और हिज लेबर एज हिज विल, मतलब अपनी इच्छानुसार अपने पूंजी का जो उसको खर्च करना है, या फिर अपने श्रमिकों का या अपने श्रम का जो नियोजन करना है, यानी नियोजक यदि जिस हिसाब से चाह रहा है उस हिसाब से उसको वो नियोजित करने नहीं दे रहा है, या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो उससे उसको इम्यूनिटी है। यानी कि संक्षेप में कहें तो किसी भी ट्रेड यूनियन के उसके मेंबर को या उसके ऑफिस बेरर को या पूरे यूनियन को आप इस आधार पर कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं या कार्रवाई के लिए या केस नहीं कर सकते उस पर कि वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काता है हड़ताल में शामिल होने के लिए, या वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, या फिर जो नियोजक है उसकी पूंजी, उसका जो कैपिटल है या उसका जो श्रम है, उसको उसके इच्छानुसार उसका उपयोग करने नहीं देता है। और इसका सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है कि किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को के खिलाफ जो है वो किसी भी प्रकार का सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता सिविल कोर्ट में किसी भी ऐसे अपकृत्य के लिए। अपकृत्य कहने का मतलब कि कोई तोड़फोड़ हो गई या आगजनी की घटना हो गई या कोई भी इस प्रकार का घटना जो सही नहीं है, किसी भी ऐसे टॉर्टस एक्ट के लिए, अपकृत्य के लिए जो कि किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के दौरान होता है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक कार्रवाई के दौरान होता है किसी एजेंट के द्वारा जो उसका सदस्य रहा हो, और यदि ट्रेड यूनियन यह प्रूफ कर दे कि वह जो कार्य किया गया है वो उसकी जानकारी में नहीं था या उसने जो आदेश दिया है उसके प्रतिकूल जाकर के वह कार्य किया गया है, यानी कि कार्यपालिका जो है उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो ये साबित कर दे कोर्ट में कि उसका जो सदस्य था कोई ट्रेड यूनियन का, उसने जो भी आगजनी की घटना की, तोड़फोड़ किया, हिंसा किया, जो भी अपकृत्य किया है वो उसकी जानकारी के अभाव में हुआ, यानी उसको नहीं पता था कि वो ऐसा करने वाला है, या फिर उसने उसको मना किया लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया है, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रेड यूनियन पर कोई बात नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, अलग बात है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेंगे फिर उसके ऊपर अलग से बात हो सकता है, वो इंडिविजुअल होगा, ट्रेड यूनियन इसके लिए दोषी नहीं होगा। सेक्शन 17 क्या कहता है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी व्यवसाय संघों का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, उसके अग्रसारण करने में, अग्रसर करने में, यानी उसको आगे बढ़ाने में आपराधिक षड्यंत्र। अब ये इसमें पॉइंट क्या लिखता है कि कोई भी ऑफिस बेरर यानी उसका जो पदाधिकारी है ट्रेड यूनियन का या सदस्य है ट्रेड यूनियन का, वो उत्तरदायी नहीं होगा किसके लिए, किसी भी पनिशमेंट के लिए, किस स्थिति में,
यदि वह अपने कोड के ट्रेड यूनियन का जो अभी सेक्शन हमने देखा सेक्शन 15 के अनुकूल यदि वो किसी प्रकार का ऐसा एग्रीमेंट करता है जो उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, और वो किस चीज के लिए इसमें पनिशेबल नहीं होगा, सेक्शन 120 भी आईपीसी, आईपीसी का 120 भी है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से जुड़ा हुआ, यानी कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक प्रकार का षड्यंत्र करते हैं किसी भी अपराध के लिए तो उसको हम लोग सेक्शन 120 बी के तहत देखते हैं। तो यहां पर कहता है कि मान लीजिए ट्रेड यूनियन जो है उसको क्या काम करना है नहीं करना है उसके लिए अपनी वो एक तो प्रोसीडिंग बनाते हैं, अपनी संविधान बनाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उनका एक रूल बनता है, अब उस रूल के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। प्लस सेक्शन 15 जो है वो आपको कहता है कि जो जनरल फंड है उसको किस पे एक्सपेंड किया जा सकता है। अब सपोज कीजिए ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने आपस में बैठ करके सलाह लिया मीटिंग में कि हम जो है अगर इतने तारीख तक 1 जुलाई तक या 31 दिसंबर तक हमारा अगर इंक्रीमेंट नहीं होता है तो हम जो है काम छोड़ देंगे, काम रोक देंगे या स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं नियोजक प्रभावित होगा, उसकी फैक्ट्री बंद हो सकती है और वो इस बात को एक आपराधिक षड्यंत्र की तरह मानते हुए उन पर मुकदमा ला सकता है। तो इसी से बचने के लिए और ट्रेड यूनियन को इम्पावर्ड करने के लिए ये सेक्शन दिया गया है कि सेक्शन 15 के तहत इस कोड के जो भी उद्देश्य है ट्रेड यूनियन के, अगर वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का आपस में विचार विमर्श समझौता करार एग्रीमेंट करता है तो उस करार या एग्रीमेंट को जो है इस कोड के तहत जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी नहीं माना जाएगा और उसको आईपीसी सेक्शन 120 बी के तहत जो है कोर्ट नहीं किया जाएगा, यानी उसको किसी भी प्रकार का इसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 18 जो है वो है आपको इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर आपस में समझौता या करार करेंगे उस करार की प्रवर्तनीयता क्या होगी, इन्फोर्सिबिलिटी क्या होगी, तो इसके संबंध में कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, उस समय तत्समय जो प्रभावी कोई भी कानून हो नियम हो उसमें कुछ भी कहा जाए, यदि किसी एन एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी वॉइड और वॉइडेबल merely by reason of the fact that any object of the agreement are in restraint of trade, दो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच में आपस में किसी भी प्रकार का किया गया जो है समझौता करार या एग्रीमेंट इस आधार पर आपको शून्य या शून्यीकृत उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, खारिज नहीं किया जाएगा, उसको हटाया नहीं जा सकता है या समाप्त नहीं किया जा सकता है इस आधार पर कि वो जो एग्रीमेंट उन्होंने ट्रेड यूनियन वालों ने किया है आपस में वो किसी के भी व्यवसाय को रिस्ट्रेन कर रहा है, किसी के व्यवसाय में अवरोध पहुंचा रहा है, यानी कि नियोजक के व्यवसाय में अवरोध पहुंचाने का आधार बना करके उनके बीच किए गए आपसी समझौते को आप जो है सो खारिज नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते, और कोई भी सिविल कोर्ट जो है उस प्रकार का लीगल प्रोसीडिंग नहीं चला सकता है, कोई विधिक कार्रवाई नहीं कर सकता है यदि किसी भी प्रकार का करार या एग्रीमेंट से ट्रेड बिजनेस या वर्क या इन सब में यदि कमी आई है और उसके चलते कोई डैमेज या लॉस हुआ है तो उसके लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा। अब सेक्शन 19 क्या कहता है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का जो अकाउंट बुक है या बुक ऑफ अकाउंट है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का या फिर उसके लिस्ट ऑफ मेंबर्स है, इन सबको इंस्पेक्ट करने के लिए जांच या निरीक्षण करने के लिए जो है हमेशा ओपन रखा जाएगा, किसके लिए, ऑफिस बिरर और मेंबर के लिए, यानी श्रम संघ के जो पदाधिकारी हैं और जो उसके सदस्य हैं वो उसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन वो जांच कब करेंगे, जो उसके रूल में प्रोवाइडेड किया गया है समय उसके हिसाब से वो जांच कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन का जो मैंने आपको पहले बताया है कि उसका अपना रूल एक बनाना है जिसमें इन बातों का उसके को उल्लेख करना है, तो उसके नियम के हिसाब से ऑफिस बिरर और मेंबर जो है अकाउंट का उसके उसके लेखा का खाता का और उसके बाद जो है सदस्यों की सूची का जांच कर सकता है। सेक्शन 20 जो है वो आपको जुड़ा हुआ है कि न्यूनतम उम्र क्या होगी सदस्य बनने के लिए, राइट ऑफ माइनर टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, तो यह सेक्शन कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसका की उम्र जो है 14 साल पूरा हो चुका है और अगर वो ऐसे कार्य में नियोजित है जो कि नॉन हैजार्डस है, ये दोनों बातें किस लिए लिंक की गई है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, तो उस एक्ट के तहत जो है सो 14 साल पूरा होने से पहले कोई भी बालक जो है कार्य नहीं कर सकता है, 14 साल के बाद वो कार्य कर सकता है लेकिन कहाँ, जो नॉन हैजार्डस प्रोसेसेस होंगे वहां, जो गैर परिसंकटमय होंगे जहां किसी प्रकार का खतरा जान को नहीं है, और
14 से 18 साल तक में हैजार्डस प्रोसेसेस में बच्चे काम नहीं कर सकते हैं और 18 के बाद वो फिर सभी जगह काम कर सकते हैं। तो यदि 14 से ऊपर का कोई व्यक्ति है और वो नॉन हैजार्डस प्रोसेसेस में काम में लगा हुआ है, नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री में है, तो ऐसे में वो है वहां पर आपको ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए इलिजिबल हो जाता है और उसको वो सारे राइट्स मिलेंगे, वो सारे पावर मिलेंगे जो एक नॉर्मल मेंबर को जो 18 प्लस का होगा उसको मिलेगा, वो सारा मेंबर का पावर इसको भी 14 प्लस वाले को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है 21, वो है आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी हैं उनकी अयोग्यता की क्या शर्तें होंगी उसके संबंध में बताया गया है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है डिस्क्वालिफाई हो जाएगा किसके लिए, ऑफिस बेरर बनने के लिए या मेंबर बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का मेंबर बनने के लिए या पदाधिकारी बनने के लिए किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से अयोग्य हो जाएगा, डिस्क्वालिफाई हो जाएगा यदि उसका उम्र जो है क्या है 18 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी वो 18 साल से कम उम्र का है, या दूसरा बात अगर उसको नैतिक अधमता के आधार पर, मॉरल टर्पिट्यूड के आधार पर जो है कोर्ट के द्वारा उसको दोषी ठहराया गया है, या फिर उसको जो सजा मिली है उस सजा के बाद जब वो रिलीज हुआ है उस समय को 5 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी जब वो छूट करके आया है, सजा काट करके आया है, तो उसका कम से कम 5 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर किसी ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है कि वो व्यक्ति जो है डिस्क्वालिफाइड है ऑफिस बेरर या एग्जीक्यूटिव का मेंबर होने के लिए, तो इन सारी परिस्थितियों में जो सदस्य होगा ट्रेड यूनियन का वो ऑफिस बेरर या एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हो सकता है। और इसका जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि नो मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी मंत्री परिषद जो है, जो मंत्रिमंडल में शामिल है मंत्री, या कोई भी पर्सन जो कि लाभ के पद को धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करता है, लाभ के पद को धारण करता है, वो जो है क्या नहीं हो सकता है, शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन। वो आपको नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, शैल बी ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का या ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी या कार्यपालिका का मेंबर नहीं हो सकता है यदि वो मंत्रिपरिषद में शामिल है या लाभ के पद को धारण करता है। यहाँ जो लाभ के पद को धारण करता है, बात को स्पष्ट किया गया, वहाँ क्लियर किया गया है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इंगेज्ड है उस एम्प्लॉयमेंट में या उस इंडस्ट्री में जहाँ की वो ट्रेड यूनियन जो है जुड़ा हुआ है, उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कारखाना में काम कर रहा है जहाँ ट्रेड यूनियन बना हुआ है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यहाँ पर इसको स्पष्ट कर दिया गया है। अब कोर्ट का सेक्शन 22 जुड़ा हुआ है किससे, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो जो उसका एडजुडिकेशन है, न्याय निर्णयन, उस न्याय निर्णयन का जो है सो कैसे होगा, इसके संबंध में जो है सो ये बातें क्लियर की गई है कि यदि कहीं डिस्प्यूट अराइज होता है किसके किसके बीच में, वन ट्रेड यूनियन एंड अदर, एक संघ व्यवसाय संघ और दूसरा व्यवसाय संघ, इन दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस मामले में, दूसरी बात लिखी हुई है वन और मोर वर्कर हु आर द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, एक या एक से अधिक सदस्य जो कि किसी एक ही ट्रेड यूनियन के मेंबर है, और उसके फिर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या इलेक्शन, ऑफिस बेरर का जो होगा, इन सब से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो विवाद, यानी कि एक ही ट्रेड यूनियन के 2 या 3 मेंबर 4 मेंबर आपस में किसी कारण से विवाद में आ गए ऑफिस बेरर के इलेक्शन को लेकर के, या फंड के मैनेजमेंट को लेकर के, या ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, या फिर तीसरा विवाद हो सकता है किसके किसके बीच, वन और मोर वर्कर हु आर रिफ्यूज्ड एडमिशन एज मेंबर एंड द ट्रेड यूनियन। यदि किसी एक या अधिक सदस्यों को ट्रेड यूनियन में प्रवेश देने से इनकार किया गया, उसको सदस्य बनाने से इनकार किया गया है, तो वो और ट्रेड यूनियन दूसरा पक्ष उसमें रहेगा। और चौथा पॉइंट कहता है वेयर ए डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन व्हिच इज अ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड ऑफिस बेरर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय ट्रेड यूनियन। यदि कहीं ट्रेड यूनियन का फेडरेशन है, यानी एक से अधिक ट्रेड यूनियन आपस में मिले हुए हैं, उनका संघ है, महासंघ है, और जो ऑफिस बेरर है जो इसके लिए ऑथराइज किए गए हैं, इनके बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो यह विवाद कहा जाएगा। तो चार बातें आपको इसमें स्पष्ट किया गया, 2 ट्रेड यूनियन के बीच, 1 ट्रेड यूनियन के अंतर्गत 2 डिफरेंट मेंबर के बीच, जो ऑफिस बेरर वगैरह का, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का मामला हो उस मामले में, या फिर एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जिनको कि ट्रेड यूनियन में सदस्य नहीं बनाया गया तो वैसे मामले में उसके और ट्रेड यूनियन के बीच, या फिर ट्रेड यूनियन का यदि कोई फेडरेशन है और जो ऑफिस बेरर उसके लिए ऑथराइज किया गया है ट्रेड यूनियन में, उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस तरह का एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा,
ट्रिब्यूनल्स को, कौन से ट्रिब्यूनल को, जो कि ज्यूरिडिक्शन रखते हैं, अधिकार क्षेत्र रखते हैं उस एरिया में जहाँ की वह रजिस्टर्ड ऑफिस रखता है ट्रेड यूनियन अपना, यानी कि ट्रेड यूनियन का जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ है उस अधिकार, उस क्षेत्र में जो भी अधिकार रखने वाला ट्रिब्यूनल होगा, न्यायाधिकरण होगा, उस न्यायाधिकरण को वो आवेदन देंगे इन विवाद के मामलों में, फिर वो उस आवेदन का निपटारा करेगा। और यहाँ एक बात कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट लिख दिया है जो कि ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी सिविल कोर्ट जो होगा, सिविल न्यायालय जो होगा, उसको पावर नहीं दिया गया अदर देन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को छोड़कर कोई भी सिविल न्यायालय जो है उसको पावर नहीं है इंटरटेन करने का एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू डिस्प्यूट रिफर्ड इन सबसेक्शन 1। जो ये चार डिस्प्यूट मैंने आपको बताया कि दो श्रम संघों के बीच का डिस्प्यूट हो, श्रम संघ के सदस्यों के बीच का डिस्प्यूट हो, श्रम संघ या किसी ऐसे सदस्य का जो कि उसका मेंबर नहीं है उसके बीच का डिस्प्यूट हो, या उसके फेडरेशन और ऑफिस बेरर के बीच का डिस्प्यूट हो, तो इस सारे वादों को कोई भी सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता, वो ट्रिब्यूनल के द्वारा ही डिसाइड होंगे। सेक्शन 23 किससे जुड़ा हुआ है, प्रोपोर्शंस ऑफ ऑफिस बेरर टू बी कनेक्टेड विथ इंडस्ट्री। जो संबंधित इंडस्ट्री है जिसका कि वो ट्रेड यूनियन है, जैसे मैंने आपको कभी बताया था कि भाई यदि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के इंडस्ट्री का ट्रेड यूनियन है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ट्रेड यूनियन है, फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री का ट्रेड यूनियन है, या किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री का ट्रेड यूनियन है, तो जिसका भी वो ट्रेड यूनियन है, जिस इंडस्ट्री से संबंधित है, उस इंडस्ट्री के कितने लोग भागीदार होंगे ऑफिस बेरर में, कम से कम कितना व्यक्ति उसका ऑफिस बेरर होना चाहिए, उसके संबंध में ये सेक्शन आपको कहता है। और ये बतलाता है कि नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द टोटल नंबर, नॉट लेस देन वन हाफ द टोटल नंबर ऑफ द ऑफिस बेरर ऑफ एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में मतलब जहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए रिक्शा कामगारों का श्रम संघ है, सपोज कीजिए दाई नौकर श्रम संघ है, तो इस तरह के श्रम संघ जो है असंगठित क्षेत्र के श्रम संघ है जिसके की वर्कर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है इसका परिभाषा मैंने डेफिनेशन सेक्शन में बताया, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। तो जो असंगठित क्षेत्र के श्रम संघ है वैसे मामलों में उनका जो ऑफिस बेरर होगा वो नॉट लेस देन वन हाफ, यानी 50% से कम नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए ऑफिस बेरर जो है उसके पदाधिकारी जो है वो उनकी संख्या 10 है, तो कम से कम 5 पदाधिकारी जो है उसका असंगठित क्षेत्र के मामले में उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी वो उसी कार्य को करता हो। द पर्सन बी एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री जिससे कि वो श्रम संघ संबंधित है। अब यहाँ एक प्रोविजो भी दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर डिक्लेयर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी ट्रेड यूनियन और क्लास ऑफ ट्रेड यूनियन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। यहाँ पे सरकार को पावर दे दिया गया, समुचित सरकार चाहे तो किसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के मामले में इस बात को लागू नहीं करा सकती है, यदि चाहे कि कहें नहीं फार्मा इंडस्ट्री में ये बात लागू नहीं होगी, तो ठीक है फार्मा इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड ट्रेड यूनियन होंगे वहाँ ऑफिस बेरर जो है 50% से कम भी हो सकते हैं जो कि उस इंडस्ट्री से संबंधित न हो। यहाँ एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मीन्स द सेक्टर विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब यहाँ जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसकी परिभाषा तो ऑलरेडी एक्ट में दी जाती है कोड में, लेकिन यहाँ क्लियर भी किया गया है कि इस सेक्टर में कौन कौन आएंगे इसको स्पेसिफाई कौन करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, वो नोटिफिकेशन से क्लियर करेगी कि ये जो है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएंगे, एल्युमिनियम इंडस्ट्री वाले या फिर ब्रिक इंडस्ट्री वाले या जो भी, तो उस हिसाब से फिर वो आगे क्लियर होगा। अब सेक्शन 1 तो आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताता है कि भाई वहां कम से कम 50% से अधिक, 50% या उससे अधिक जो है सो ऑफिस बेरर उसी इंडस्ट्री का होना चाहिए। और उसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अलावा जो बाकी इंडस्ट्री है उसके बारे में क्या कहता है कि सेक्शन 1 में जो भी बातें लिखी गई वो तो भाई सब सेक्शन 1 वाली बात वो तो सेव हो गई, उसके रहने के बावजूद जो अदर बातें हैं कि नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेरर और 5 which is less shall be person actually engaged or employed in establishment or industry with which the trade union is connected, yani ki kam se kam kitna 1/3 member, 1/3 of member jo hai office bearer ke, yani suppose kijiye ki office bearer mein total 9 log hain to 9 ka 1/3 matlab 3 vyakti kam se kam ya 5 whichever is less jo bhi kam ho, 3 aur 5 mein yahan par 3 kam hai, तो अगर 9 लोग होंगे तो कम से कम टोटल ऑफिस बेरर की संख्या 9 होगी तो कम से कम 3, और अगर मान लीजिए टोटल ऑफिस बेरर की संख्या है 27
तो इसका एक तिहाई कितना हो गया 9 और यहाँ पर 5 है तो इन दोनों में फिर 5 कम हो गया तो विच इवर इज लेस, तो 5 लेस है यहाँ पर यानी कि मिनिमम 5, यानी कि यदि ऑफिस बेरर की संख्या 5 से ज्यादा हो जा रही है 1/3 तो कम से कम 5 और 5 से कम हो रही है तो जितना होगा 1/3 उतना मेंबर जो है वो आपको होना चाहिए उसी इंडस्ट्री का या उसी एस्टेब्लिशमेंट का जिससे कि वो ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है। किसके मामले में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ करके बाकी सारे मामलों में। और यहाँ एक बात और भी जोड़ दिया गया कि फॉर दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के उद्देश्य के लिए जो है कोई भी इंप्लॉय जो कि रिटायर्ड हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है या उसकी छटनी कर दी गई है, रिट्रेंस्ड हो गया है, उसको हम आउटसाइडर नहीं मानेंगे, यानी उसको उसी इंडस्ट्री से कनेक्टेड मानेंगे, उसी इंडस्ट्री का एम्प्लॉयड पर्सन मानेंगे। तो अगर वो ऑफिस बेरर में शामिल है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि वो बाहरी आदमी है, वो उसी इंडस्ट्री का समझा जाएगा। अब सेक्शन 24 क्या है? चेंज ऑफ नेम, एमलगमेशन नोटिस ऑफ चेंज एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि श्रम संघ के नाम में जो है परिवर्तन, चेंज ऑफ नेम नाम में परिवर्तन, या समामेलन यानी कि दो या दो से अधिक श्रम संघ का आपस में मिलना, उसके लिए नोटिस, जो उस मेंबर है उसको उसकी सहमति लेनी है, उसका जो प्रभाव होगा उससे संबंधित। तो यहाँ सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो कम से कम 2/3 जो मेंबर है उसके टोटल, उनका उसको कंसेंट लेना होगा किसके लिए, उसके नाम के परिवर्तन के लिए। तो यदि मान लीजिए 300 मेंबर है उस श्रम संघ में तो कम से कम जो है 200 मेंबर उस नाम के परिवर्तन में सहमति अपना, कंसेंट अपना देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि एनी टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी एमलगमेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है यानी कि इसको रूल में डिसाइड किया जाएगा क्या क्या बातें होंगी, कैसे दो या दो से अधिक संघ आपस में मिल करके बड़ा संघ, महासंघ वगैरह बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ एवरी एमलगमेशन साइन इन इन द केस ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय सेक्रेटरी एंड बाय 7 मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन चेंजिंग इट्स नेम एंड इन केस ऑफ एमलगमेशन बाय सेक्रेटरी एंड बाय 7 मेंबर ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड यूनियन विच इज ए पार्टी देयर टू शैल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार। अब यदि मान लीजिए नाम का परिवर्तन करना है या उसको सम्मिलित करना है, समामेलन करना है, ठीक, तो अगर नाम परिवर्तन करना है तो सेक्रेटरी प्लस उसके 7 मेंबर, और समामेलन करना है तो सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर, और वो हर ट्रेड यूनियन, मान लीजिए 3 ट्रेड यूनियन है, तीनों को आपस में मिलना है तो ABC तीनों के सेक्रेटरी प्लस उसके 7 मेंबर के सिग्नेचर से एप्लीकेशन किसको भेजा जाएगा, उसको जिसने उसको रजिस्टर्ड किया है तो वो रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। और इसमें एक बात और जोड़ दी गई कि यदि उसका जो हेड ऑफिस है वो एमलगमेटेड ट्रेड यूनियन का सिचुएटेड इन ए डिफरेंट स्टेट टू रजिस्ट्रार ऑफ सच स्टेट। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इन 3 अलग अलग स्टेट्स के ट्रेड यूनियन ने सोचा, 3 ट्रेड यूनियन कि हम आपस में मिलेंगे और अपना हेडक्वार्टर रखेंगे रांची, तो ऐसे में क्या होगा, तीनों आपस में मिल जाएंगे पहले और रांची के जो रजिस्ट्रार होंगे जो कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको वो एप्लीकेशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये पहले भी बताया गया था आपको कि यदि उसका जो नाम है वो मिलने के बाद उन्होंने आपस में मिल करके जो नाम डिसाइड किया कि ये नाम रखेंगे, या फिर किसी ने परिवर्तन के लिए जो नाम सोचा वो नाम यदि किसी दूसरे ट्रेड यूनियन से संबंध दिखता है या तो उसके जैसा ही हो या कंफ्यूजन हो जाए इस तरह का नामों के जो लगे कि वो उसी से जुड़ा हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर्ड करने से मना कर सकता है और उसको नाम परिवर्तन करने के लिए कह सकता है। सपोज कीजिए कि ट्रेड यूनियन ने अपना कुछ नाम ऐसा रखा, आजाद नाम रख दिया, आजाद पहले से था, अब आजाद, अब उसने लिखा आजाद न्यू, ऐसा कर दिया, तो फिर उससे कंफ्यूजन हो सकता है कि वो पहले वाला ट्रेड यूनियन है या अभी वाला ट्रेड यूनियन है, तो इसीलिए ऐसी स्थिति में अगर चाहे तो रजिस्ट्रार जो है उसको कहेगा कि भाई तुम अपना नाम चेंज करो। अब जो है उसके बाद वही बात फिर जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में था, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया कि जो भी कोड का प्रोविजन है उसके का अनुपालन करते हुए इन्होंने नाम में परिवर्तन के लिए जो है जो आवेदन दिया उसको कंप्लीट कर दिया है, तो रजिस्ट्रार फिर उसके नाम में परिवर्तन कर देगा, उनका नाम में चेंजिंग हो जाएगा, और नाम में चेंजिंग होने के बाद फिर उसको मेंटेन कर लिया जाएगा रजिस्टर में, और नाम में परिवर्तन उसके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से जो है माना जाएगा। अब यदि एमलगमेशन हुआ है, मान लीजिए 2 या अधिक
श्रम संघ आपस में मिले हैं ट्रेड यूनियन, तो ऐसी स्थिति में जो है आफ्टर एमलगमेशन जहां उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया है उस एरिया क्षेत्र का जो रजिस्ट्रार होंगे उसके पास फिर वो सेक्शन 9 के तहत एप्लीकेशन देंगे फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे पहले देते थे, और फिर उनका जो है नए नाम के साथ एमलगमेटेड ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि श्रम संघ क्या है कि नाम में परिवर्तन कर लिए और उसके पहले उनके पास कई तरह का मान लीजिए कोई लीगल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रहा था, कोई वैधानिक कार्रवाई हो रही थी, या वो किसी के खिलाफ जो है सपोर्ट में गए थे, किसी प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, या उस ट्रेड यूनियन का कोई राइट्स है या कोई ऑब्लिगेशन है जो कि उनको पूरा करना है, तो इस तरह की बातें जो है उसके नाम में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी। यानी अगर कोई ट्रेड यूनियन अपना नाम भी बदल लेता है तो उसके जो भी राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं उसको वो फुलफिल करना होगा नए नाम के साथ। यदि उस पर पहले से कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसके अगेंस्ट में तो वो कंटिन्यू होती रहेंगी उसी तरह से जैसे पहले चलती थी और वो नए नाम के साथ जुड़ जाएंगी। अब फिर नेक्स्ट है आपको डिजोल्यूशन यानी कि विघटन। अब श्रम संघ को आपको मान लीजिए आपको लगा कि आप जिस उद्देश्य से बनाए थे वो पूरा हो गया या कोई और बात है आप उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, तो नोटिस ऑफ डिजोल्यूशन जो है वो आपको साइन करना है 7 मेंबर एंड बाय सेक्रेटरी। यहाँ पर भी सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर ये आपस में मिल करके साइन करेंगे कि भाई हम इस ट्रेड यूनियन को अब भंग कर रहे हैं, और वो विद इन 14 डेज ऑफ द डिजोल्यूशन वो उसको भेज देंगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि उसने ही उसका रजिस्ट्रेशन किया है। एंड शैल बी रजिस्टर्ड बाय हिम इफ इट सटिस्फाइड दैट द डिजोल्यूशन हैज बीन affected in accordance with the rule of the trade union। और रजिस्ट्रार को यह देखना है कि जो ट्रेड यूनियन का रूल है उसमें जो विघटन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था, क्योंकि मैंने बताया कि रूल में बहुत सारी बातों का उल्लेख होता है, उसमें यह भी होता है कि अगर ट्रेड यूनियन को कभी समाप्त करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उस नियम के तहत अगर उसको समाप्त किया गया है तो रजिस्ट्रार जो है उसको फिर समाप्त करते हुए अपने रजिस्टर में उसको मेंटेन करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है कि जहाँ की मान लीजिए किसी ट्रेड यूनियन को विघटित कर दिया गया उसका डिजोल्यूशन हो गया है, एंड रूल ऑफ ट्रेड यूनियन डू नॉट प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड इन द ट्रेड यूनियन ऑन डिजोल्यूशन, और यदि उसका जो रूल है उसमें इस बात का स्पष्टता नहीं है कि उसके पास जो फंड है पैसा बचा है विघटन के समय उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मेंबर्स को कैसे देना है, तो फिर द रजिस्ट्रार शैल डिवाइड द फंड अमंग द मेंबर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो फिर ऐसे में जो स्टेट अपना रूल बनाएगी उसमें इस बात का उल्लेख करेगी कि रजिस्ट्रार को कैसे उन पैसों को उसके मेंबर के बीच में वितरित करना है, यानी कि जो पैसा बच गया फंड बच गया आपको विघटन के बाद डिजोल्यूशन के बाद उस फंड को मेंबर्स के पास कैसे देना है बांटना है इसका तरीका रूल में बताया जाएगा। वो तब बताया जाएगा जबकि यह तरीका उस ट्रेड यूनियन के अपने रूल में पहले से उल्लेखित नहीं था, अगर उसके अपने रूल में उल्लेखित है तो फिर कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपको सेक्शन 26 जुड़ा हुआ है आपको किससे, वार्षिक विवरणी से, एनुअल रिटर्न से। अब विवरणी हम जानते हैं कि जो भी एक्ट होते हैं या कोड होते हैं उनके कंप्लायंसेस के लिए रिटर्न्स भेजा जाता है किसके पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो भी होते हैं जो उस एक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्रार के पास आपको भेजना होगा, एनुअली फॉरवर्ड करना होगा बिफोर सच डेट कोई ऐसी तारीख को जो कि निर्धारित की गई है रूल में, या किस तरीके से भेजना है, ऑनलाइन भेजना है ऑफलाइन भेजना है जो भी है, एंड बाय सच पर्सन जो भी व्यक्ति किसके द्वारा भेजना है एज मे बी प्रिस्क्राइब जो रूल में बताया जाएगा। सपोज कीजिए उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक आपको भेज देना है तो 31 मार्च के पहले वो रिटर्न को भेजेंगे, और रिटर्न में क्या अटैच करेंगे, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सच रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st डे ऑफ दिसंबर। मतलब जिस साल मान लीजिए 31 मार्च तक भेजना है आपको उन्होंने निर्धारित किया रूल में, तो यानी पिछले साल के 31 दिसंबर तक का उनको एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का जो है वो डिटेल्स विवरणी देनी है, उसके अलावे उनको जो है एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में भी पिछले लास्ट ईयर तक का बताना होगा उस रिटर्न में। और इस जो विवरणी को भेजी जाएगी उसके साथ यदि किसी ऑफिस बेयरर वगैरह को चेंज किया गया है तो उसको और प्लस रूल में चेंजिंग हुई तो उसकी कॉपी वगैरह जो है रूल की वो भी ट्रेड यूनियन को उसके साथ भेजना है। ए कॉपी ऑफ एवरी अल्टरेशन मेड इन द रूल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी सेंड टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डे ऑफ मेकिंग सच अल्टरेशन। अगर मान लीजिए किसी तरह का चेंज करते हैं आप रूल में परिवर्तन करते हैं तो आप परिवर्तन के 15 दिनों के अंदर ही उसकी कॉपी किसको भेजेंगे, रजिस्ट्रार को भेजेंगे, निबंधक को भेजेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स या विवरणी है जो उसको सबमिट किया जा रहा है रजिस्ट्रार को उसको वो चाहे तो फिर एग्जामिन कर सकता है रजिस्ट्रार, उसको जांच सकता है इंस्पेक्ट कर सकते हैं उसके रजिस्टर्स को अकाउंट बुक को डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन इन सब को उसके ऑफिस में जा करके या किसी भी प्लेस पर जहां वो बुलाएंगे, लेकिन वो प्लेस की जो दूरी होगी वो उसके ऑफिस से 15 किलोमीटर से अधिक
नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर्ड या उसके द्वारा ऑथराइज कोई भी ऑफिसर इसकी जांच जा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपको रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, यानी कि जो ट्रेड यूनियन है, श्रम संघ है, उनको राज्य और केंद्र स्तर पर जो है मान्यता, यानी कि उसको राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन या केंद्रीय ट्रेड यूनियन मानने का। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन तो आज के समय में भी है, स्टेट ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले कभी नहीं था, इस बार पहली बार कोर्ट में इसको दिया गया कि भाई आप स्टेट को पावर है कि वो अपने यहाँ जितने भी ट्रेड यूनियन है उसमें से किसी को भी स्टेट लेवल ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द नेसेसरी और एक्सपीडिएंट दैट ए ट्रेड यूनियन और फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो श्रम संघ है या श्रम संघों का जो संघ है, आपस में जो समूह है, इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेंट्रल ट्रेड यूनियन एट सेंट्रल लेवल, इट मे रिकॉग्नाइज सच ट्रेड यूनियन एज ए फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एज सेंट्रल ट्रेड यूनियन एज सच मैनर फॉर पर्पस एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड इफ एनी डिस्प्यूट arises in relation to such recognition, it shall be decided by the authority in such manner as may be prescribed by central government. Central government को power है कि वो किसी भी trade union को central trade union declare कर सकती है, और किसी प्रकार का dispute होगा तो उस dispute को उसके द्वारा जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो उसको solve करेंगे। उसी प्रकार से जब state government के पास को ऐसा लगता है कि किसी भी trade union या उसके संघ को हम central state trade union बनाएं, तो फिर वो उसको स्टेट ट्रेड यूनियन की मान्यता दे सकती है। उसका जो तरीका विहित किया जाएगा कहाँ पे उसके रूल में कि कैसे करना है, एंड इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, अगर उसमें भी किसी प्रकार का विवाद होता, कोई श्रम संघ कहता नहीं हम बनने वाले थे स्टेट लेवल का, हमारा मेंबर ज्यादा था, या किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, तो ऐसे में डिसाइडेड बाय सच अथॉरिटी एंड बाय सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रूल में डिसाइडेड जो अथॉरिटी होंगे उस अथॉरिटी और उस तरीके से जो उन्होंने तरीका बनाया होगा कि कैसे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे स्टेट गवर्नमेंट ने, उस तरीके से उस विवाद को सुलझाया जाएगा। यानी पहली बार जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन के अलावे स्टेट ट्रेड यूनियन का भी कॉन्सेप्ट इस बार कोड में शामिल किया गया है। तो ये कुछ बातें आपको थी ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुई। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे इसका, वो स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड होगा। अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।